बुरा ना मानो, होली है। सो हैप्पी होली एवरीवन, एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन, एंड वेलकम टू माय चैनल जीतास ग्रीन कॉर्नर। तो मैं आज आपको हैंगिंग बास्केट में लगाए जाने वाले कुछ इजी पौधे दिखाऊंगी। सो स्टे ट्यून्ड, कम ऑन। तो ये जो प्लांट है नंबर वन में मैं दिखा रही हूँ, ये है टर्टल वाइन। ये इजी टू ग्रो है और आपको छोटा सा कहीं से ब्रांच भी मिल जाए छोटा कटिंग, तो आप इसको बढ़िया से बहुत सारे ढेरों सारे प्लांट्स लगा सकते हैं। ये इजी टू ग्रो है, ये देख सकते हैं। मैं मेरे आर्डेनियम प्लांट के जो नीचे गमले में बस डाल दी थी और कितना बढ़िया है। तो आप अगर मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड स्टे ट्यून। और नेक्स्ट है, ये भी टर्टल वाइन का भी एक वेराइटी है और इसका लीप थोड़ा राउंड शेप का है और इसका जो स्टेम है वो थोड़ा पर्पल कलर का है और ये बहुत बुशी होके ग्रो होता है और हैंगिंग बास्केट में लगाए जाने वाली ये बेस्ट ऑप्शन है। ये इजी टू ग्रो, इजी टू मेंटेन है, देख सकते हैं। ये छोटा सा कटिंग आपको मिल जाएगा तो आप इसको इजीली ग्रो कर सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। देन नंबर थ्री में आता है वांडरिंग ज्यू और ये बहुत ही खूबसूरत, इसका जो पैटर्न होता है जैसे इसके लिप के बैक साइड पर्पल कलर का होता है और पैटर्न भी आप देख सकते हैं। इजी टू ग्रो है, कोई भी मौसम में आप इसको ग्रो कर सकते हैं। मेरे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, मैं और भी कुछ प्लांट्स आपको दिखाऊंगी। और सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक इट। देन ये देख सकते हैं ये छोटा सा ब्रांच, तो इससे भी आप इसके नोड एरिया से भी रूटिंग्स होता है तो उसको आप बहुत इजीली ग्रो कर सकते हैं। और नंबर फोर में मैं इसको रैंकिंग करूँगी, ये भी एक बहुत ही बढ़िया खूबसूरत प्लांट है, वांडरिंग ज्यू की एक वैरायटी है और इसके पैटर्न देख सकते हैं ग्रीन और वाइट, प्योर वाइट नहीं पर थोड़ा सा क्रीम कलर के। और नेक्स्ट वन नंबर फाइव में पोर्टोलिका, ये भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और समर सीजन में लगाए जाने वाली बेस्ट ऑप्शन है। इसमें फ्लावरिंग करता है और इसको फुल सनलाइट चाहिए, बस इसको बारिश से थोड़ा बचा के रखा जा सकता है तो ये पूरे साल आपके साथ रहेंगे। ये देखिए नेक्स्ट इज पर्पल हार्ट, ये भी एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। इसका छोटा सा कटिंग आपको कहीं से भी मिल जाए, आप इसको ग्रो कर सकते हैं। इसको हर मौसम में आप इसको ग्रो कर सकते हैं। इट इज़ इजी टू मेंटेन, इजी टू ग्रो और हैंगिंग बास्केट में लगाएंगे तो ये भी नीचे तक ट्रेल करता है। तो मैं इसको भी थोड़ा सा इसका कटिंग निकाल के इसको मैं हैंगिंग बास्केट में लगाऊंगी और इसमें पिंक कलर के भी फ्लावर आता है। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, ये देख सकते हैं। सो नेक्स्ट वन आई वॉन्ट टू शो यू, दिस इज़ क्रीपिंग चार्ली। ये भी बहुत ही खूबसूरत, ये लीप का ग्रीन आप देख सकते हैं, ये राउंड शेप के हैं और थोड़ा वेलवेटेड टच भी इसका होता है। इसका भी छोटा सा कटिंग, बस नोड एरिया जैसे नीचे का लीप निकाल के आप नोड एरिया को मिट्टी में डाल देंगे तो ये बहुत इजीली ग्रो करता है। सो नेक्स्ट वन इज़ वाटरमेलन बेगोनिया। तो इसकी लीप की जो पैटर्न है वाटरमेलन के पैटर्न की है, इसीलिए इसको वाटरमेलन बेगोनिया बोलते हैं। इसका भी छोटा सा कटिंग आप इजीली लगा सकते हैं, जस्ट नीचे की लीफ आप हटा के जो नोड एरिया उसको मिट्टी में डाल दीजिए तो ये बहुत बढ़िया से ग्रो करेगा और इट इज़ ईजी टू मेंटेन। नेक्स्ट इज़ ग्रीन ग्रास सेडम, ये भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, बुशी है और इसको ये सकलेंट वैरायटी का एक प्लांट है तो ज़्यादा वाटरिंग की भी ज़रूरत नहीं है और इसको बारिश में अगर आप बचा लिए और थोड़ा सा समर में केयर कर लिए तो पूरे साल ये आपके साथ रह सकता है। इसका भी छोटा सा कटिंग आप ये लगा के इसको बढ़िया से ग्रो कर सकते हैं और हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है। सो नेक्स्ट वन दिस इज़ होया। तो मेरे पास होया का थ्री वेराइटीज़ है, मैं आपको दिखा रही हूँ। इसका जो लीफ है थोड़ा थिक है, वॉक्शे है, तो इसको भी आप बढ़िया से आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं और इसके जो लीफ नोड्स होते हैं नीचे से भी रूट होता है तो इजी टू मेंटेन है एंड इजी टू ग्रो। ये देख सकते हैं ये भी टू वेराइटीज़ के होया है, एक वाटरमेलन की जैसे उसकी पैटर्न है तो ये आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारे लगते हैं और नीचे तक ये ट्रेल करते हैं।
तो ये मैं थोड़ा क्रिसमस कैक्टस उसको भी लगाई हूँ और आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट मैं दिखाऊंगी आपको ये एंजॉय पोथस, दूसरे पोथस भी लगा सकते हैं। एंजॉय पोथस लुक्स वेरी नाइस, ये भी बहुत बढ़िया ऑप्शन है। सो लास्ट वन इज़ टैंगल हार्ट। तो इसका प्रोपागेशन में भी मैं आपको दिखाई थी, इसको पानी की थोड़ा ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, जस्ट टॉप सॉयल ड्राई होने से आप इसको वाटरिंग कीजिए, तो ये भी बहुत बढ़िया ऑप्शन है। तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय।